बाड़ी तहसील के सेवाड़ी गांव के मीणा समाज के द्वारा सेवाड़ी गांव से गौतम ऋषि मंदिर तक पैदल कांवड़ यात्रा का आगाज किया, जिसमें कुल 200 के करीब कांवड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाज के परम आदरणीय रमेश महाराज एवं प्रमोद पुरी जी ने महाराज ने मिलकर यात्रा का शुभारंभ करवाया। सेवाड़ी गाँव के भूतपूर्व सरपंच वागा राम जी मीणा ने जानकारी साझा की एवं यह भी बताया कि सेवाड़ी मीणा समाज के द्वारा हर साल कांवड़ यात्रा सेवाड़ी से गौतम ऋषि मंदिर तक यात्रा की जाती है, जिसमें कांवड़ियों के द्वारा गौतम ऋषि भगवान को कांवड़ का जल चढ़ाया जाता है। कांवड़ियों का कहना है कि सभी कांवड़ियों के द्वारा लगातार 5 साल तक कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी और अगर सभी का साथ रहा तो आगे भी यात्रा निकाली जाएगी। कांवड़ियों ने भगवान से देश व गांव की खुशहाली के लिए गौतम बाबा से मुराद मांगी। सेवाड़ी चौकी प्रभारी कमल जी, कांस्टेबल चतरा राम जी, गरासिया शंकर लाल जी, गिरिराज जी के द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त किया गया। वंदे भारत से मोहसिन खान की रिपोर्ट। चौक सेवाड़ी से आवेरियो से, हाँ करीब करीब 200 कांवड़ी है हमारे यहाँ से। हमेशा की पाती ये तीसरी कांवड़ यात्रा है सेवाड़ी से गौतम ऋषि धाम तक, और ये कांवड़ यात्रा हर साल की पाती इस साल भी हम निकाल रहे हैं। हम ये कांवड़ यात्रा के माध्यम से पूरे विश्व के शांति और अमन के लिए निकालते हैं और हमारे मीणा समाज की समृद्धि और एकता और भाईचारे के लिए विशेष तौर से हम ये हर साल प्रोग्राम करते हैं। तो ये करीब करीब 200 कांवड़िए मीणा समाज के, और अब तो कब हैं बाकी 500 तक कांवड़िए थे पहले, और दिनों दिन ये कांवड़िए बढ़ते भी जा रहे हैं। और हम मीणा समाज इन सभी कांवड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदना करते हैं समय रहते हैं। और ये 5 साल तक जाएंगे कांवड़ी यात्रा हमारी सेवाड़ी से श्री गौतम ऋषि के लिए, उसके बाद में और कोई व्यवस्था होगी, नहीं तो 5 साल के लिए फिक्स है। तो हम समाज की ओर से इन सभी कांवड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इन शुभारम्भ करीब करीब 11:30 बजे होने जा रहा है, और ये कांवड़ कल बीच में रात्रि विश्राम करते हुए कल 10 बजे तक गौतम ऋषि मंदिर धाम तक पहुँचेगी, और मनोकामना और सभी विश्व शांति के लिए गौतम ऋषि से कामना करेंगे। ये कांवड़ यात्रा हमेशा सेवाड़ी से श्री गौतम ऋषि धाम तक जाती है, जिसमें पूरा मीणा समाज हर्षो और उल्लास के साथ में और इस कांवड़ यात्रा का शुभारंभ करवाते हैं, और बीजापुर पादला तक सभी पूरा गांव मिलकर इनको छोड़ने के लिए भी जाते हैं, इनका आदर सत्कार करने के लिए जाते हैं, और इसी कामना के साथ में इनका उज्ज्वल भविष्य की सभी कामना करते हुए विराम देते हैं।